बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़राह साहिद। आज आपके साथ एक नई बात करने के लिए आई हूँ, एक नया पैगाम देने के लिए आई हूँ। एक तो मुझे आपको ये बताना है कि कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं। उनके बढ़ने की वजह ये नहीं है कि उनको हर हाल में बढ़ना ही है, वजह ये है कि जब हमें कहा गया है कि लॉकडाउन में कहीं नहीं निकलना, स्टिल हम लोग जहाँ हम लोग अपनी रेजिडेंस में रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो स्टिल हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की, हमने जो कहा गया था उसका एहतराम नहीं किया और हम लोग अभी भी बिल्डिंग के अंदर के लोगों से भी मिल रहे हैं। हमें नहीं पता किसको वायरस है किसको नहीं है और हम लोग उसको अननेसेसरीली एक्सपोज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली केसेस बढ़ेंगे, राइट। सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए कही थी ना, इंसानों से कही गई थी। अब आपकी बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो इंसान हैं, सभी के सब। आपको नहीं पता किसको इन्फेक्शन हो सकता है, किसी को नहीं हो, आपको हो, लेकिन आप एक कैरियर हो, आपको सिम्टम्स नहीं आए हो, लेकिन आपसे उनको इन्फेक्शन हो जाए तो पूरी फैमिली जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो काइंडली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर लॉकडाउन है या पार्शल कर्फ्यू भी है तो कुछ घंटे के लिए अगर शॉपिंग मॉल्स को या शॉपिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, मार्केट्स को खोला गया है तो वो इसलिए कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि बहुत ही रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान है वो आप ख़रीद सकें, आपको वो तंगी ना आए। तो उसके लिए ये सजेशन देना चाहती हूँ मैं आपको कि फिर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोशिश करें कि फिर भी आपका एक्सपोजर कम से कम हो। हफ्ते में एक बार या दो हफ्ते में एक बार गए और चीज़ें ले के आ गए, बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है कि चलो थोड़ा चेंज हो जाएगा। नहीं नहीं, ये चेंज का टाइम नहीं है। और आई होप कि रमज़ान सबके अच्छे गुजर रहे होंगे। ठीक है, ईद भी आ रही है, मगर दुनिया जब इस हालत से गुज़र रही है, इन तकलीफ़ों से गुज़र रही है, तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं हम सबको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमारी सेहत भी ज़रूरी है। अब ईद की शॉपिंग पे अगर आप निकल पड़ते हैं तो वो भी कुछ हेल्दी बात तो नहीं है, बिकॉज अगेन सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे अगर आप रोज़मर्रा शॉपिंग शुरू कर देंगे तो। तो काइंडली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने ही घरों में रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आप बिलफर्ज जाते भी हैं कुछ लेने के लिए, कुछ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, एक तो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं हर जगह पर, उन्हें अवेल करें। और अगर आप कहीं जाते भी हैं तो इन दैट केस जब आप सामान लेके गाड़ी में बैठते हैं तो कोशिश करें सैनिटाइज़र उसी वक्त यूज़ करें, जाते हुए मास्क ग्लव्स का इस्तेमाल करें। जब गाड़ी में बैठने लगें तो वो ग्लव्स फेंक दें, नए ग्लव्स पहन लें, क्योंकि आपने अगर एक मार्केट में आप गए हैं, आपने चीज़ों को छुआ है, आपको नहीं पता कि किस चीज़ पर वायरस था किस पर नहीं था। तो काइंडली छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें ताकि आप सेहत याद रह सकें। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको याद होगा कि शुरू में वीडियोस आई थी बहुत सारी, मैंने भी इम्यूनिटी पे वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग कैसे इससे बचा जा सकता है कोरोना से, लेकिन वो बचने के लिए थी, वो प्रिवेंशन थी, क्योर नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल करें, अल्फाज पे गौर करें, ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है, प्रिवेंशन है, उससे बचाव है। कहा गया था प्याज, ये अदरक हो गई, तुलसी हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, आपकी कुव्वत मुदाफियत को किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मददगार साबित होती हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, दवाइयाँ नहीं हैं। तो होता क्या है कि अब अगर किसी को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, मुश्किल खांसी हो रही है और पेट में दर्द, कहीं उल्टियाँ वगैरह भी शुरू हो रही हैं, तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर ना करें कि ये वायरस इस वक्त जो है वो मौजूद है और आपको हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि घरेलू टोटकों से जो है वो पहले आप अपने आप को बर्बाद कर लें मुकम्मल तौर पर, उसके बाद जो है वो जब कोई चारा ना रहे तो आप डॉक्टर से रुजू करें और फिर पता चले खुदा ना खास्ता वायरस है जो कि आपके लंग्स को या खुदा ना खास्ता किसी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर चुका है, और फिर उसके बाद उम्मीद की जाए कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फ़ौरन ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इक्वल एफर्ट है। अगर आपको लगता है कि प्याज या ये चीज़ें इसका इलाज कर सकती हैं तो आपको नहीं लगता, ज़रा इमेजिन करें कि आप हॉस्पिटल जा रहे हैं और आपको प्याज मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही, तो क्या प्याज से इलाज इजी नहीं था? दवाइयाँ, ये जो लाखों बिलियंस खर्च हो रहे हैं कि इसकी वैक्सीनेशन बना ली जाए, ये क्यों खर्च किए जा रहे हैं? इसलिए खर्च कर रहे हैं ना ताकि आपका भला हो सके, आप इस बीमारी से निजात पा सकें, दुनिया इस क्राइसिस से निकल सके। अगर प्याज अकेला एक वो अपने प्याज ही महंगा करा दिया, कमाल हो गया वैसे। खैर चलें, कोई बात नहीं।
तो अगर अगर इन चीज़ों का इलाज ऐसे हो सकता होता तो आपको क्या लगता है कि मेडिसिन पे इतनी रिसर्च कर रहे होते? ज़रा सोचिए ना इस बात को। तो जो माहिरीन है ना उनकी ही बात माने, यहाँ वहाँ के टोटके ना सुने, अपने टोटके ना बताएं। आपके जो टोटके हैं वो किसी की ज़िंदगी जो है वो ज़ाया कर सकते हैं। तो अगर आपको मुकम्मल इल्म नहीं है किसी चीज़ का, आप उसको डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, आप उसमें पार्टिसिपेंट नहीं हैं कि आप उन पेशेंट्स को डील कर रहे हो, आप मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, तो प्लीज़ सेहत के बारे में इस तरह के मशवरे ना दें कि लोग उनको फॉलो करके सोचें अब तो हमारा ठीक हो गया होगा, उसने इतनी जो है ना वो चीज़ बताई थी, इतना तो ऐसे ऐसा नहीं होता। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल करें, ये आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके गिरदो नवाह के लोगों की सेहत के लिए ज़रूरी है, ये कोई मजाक नहीं है, राइट? चलें अपना अब इन चीज़ों पे काइंडली आप ज़रा गौर कर लीजिए और इनको फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगली किसी बात के साथ। आई एम सॉरी कि मैं जो हूँ वो काफ़ी दिन लगा दिए मैंने इस बार आपको मैसेज देने के लिए, मैं ऑक्यूपाइड थी। आई होप आपके रमज़ान ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे, मेरे भी बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो गुजर रहे हैं, तो उसी के चक्कर में मैं बहुत मसरूफ़ थी। और दुआ में याद रखिए मुझे आप, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब रखे, ठीक ठाक रखे, अपने घर वालों के सर पर कायम दायम रखे। दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।